तो हमने क्रेफ वे शुरू किया था 2017 में तो मेरी मॉम ने एक ब्रांड बनाया था कॉल्ड सुबेक मुझे पता है कल रात को एक कस्टमर है जो मुझसे अनहैप्पी है जिसको मैंने आज हैप्पी करना ही है और अभी हमारा ये भी फोकस है कि नेक्स्ट ईयर तक हम लंदन में भी एक क्लाउड किचन खोलें आज रेस्टोरेंट भी बोल रहा है मुझे क्लाउड किचन खोलना है हम कस्टमर चैलेंजेस भी टैकल कर रहे हैं टीम सब... चैलेंजेस भी टैकल कर रहे हैं वी मेक श्योर वी टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर्स हाय दिस इज धृति फ्रॉम लिटोस इंडिया और आज मैं इंडियाज यंग हैंडसम एंटरप्रेनर एंड को फाउंडर ऑफ क्रैफे कनव सचदेव के साथ हूँ मैं और मेरी ऑडियंस काफी एक्साइटेड है आपके बारे में आपकी फैमिली के बारे में और आपके बैकग्राउंड के बारे में सो सर प्लीज लेट मी नो ब्रीफ नमस्कार देवती नमस्कार टू एवरी वन थैंक यू और आप प्लीज मुझे सर ना बोलिए आज <laughs> मुझे बड़ा अजीब लगता है मैं इतना ओल्ड नहीं हूँ अभी okay. और बेसिकली uh, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं कि uh, मेरी फैमिली कौन है मैं कौन हूँ तो आई एम कनक कन्स आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस और जनरेशन से मेरी फैमिली बिजनेस कर रही है और हमारी थोड़ी हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ uh, मेरे नाना आए थे लाहौर साइड से तो लाहौर में एक जनरेशन सौ साल पहले आप जाएंगे तो हम लोग लैंड होते थे okay. हम लोग फार्मिंग करते थे लैंड थे हम ढाबे भी चलाते थे वहाँ पे उस जमाने में यही होता था खाना पीना का काम तो अब तो बहुत सारे काम आ गए अब तो टेन मिनट्स में खाना पीना आ रहा है आज कल राइट right. तो उस जमाने में खेती भी होती थी खाना बनाया भी जाता था और फिर उसको खिलाया भी जाता था तो सोचो कितने महीने लगते थे वो करने में so, times have changed. तो हमने शुरू किया था 2017 में। Basically, हम family business में हम थे अभी जैसे कि आपने बताया कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में बैटरीज uh, इनवर्टर इस सब का बिजनेस था

Thought कि ये एक और vertical है इंडिया में जिसको हमें explore करना चाहिए और जो आने वाले time में बहुत बड़ा हो जाएगा hmm. Because देखिए जब हमने cloud kitchens शुरू करे चुरु थे 2017 में तो लोगों को कोई knowledge नहीं थी no, right. किसी को नहीं पता था delivery दिलि कैसे होगी एक ऐप के थ्रू और लोगों को कॉन्फिडेंस लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं था बिल्कुल भी कि प्रोडक्ट आएगा भी क्या तो उसके लिए हमने एक आइडिया किया था जो आपने बात बोली ना हमने अपने कस्टमर्स को क्या किया हमने कैमरास लगाए क्लाउड किचन में हमने कहा आप डायरेक्ट एक्सेस ताकि आप देख लीजिए कि क्लाउड किचन कैसे होते हैं क्योंकि कस्टमर कॉन्फिडेंस करना था क्रिएशन करना था और आज आप देखिए कि इंडस्ट्री किस तरफ जा चुकी है आज रेस्टोरेंट स्पीड से बंद हो रहे हैं, और क्लाउड किचन की तरफ जा रहे हैं लोग है आज रेस्टोरेंट भी बोल रहे है मुझे क्लाउड किचन खोलना है अपना क्यों क्यों क्योंकि डिलीवरी का जमाना है सो टाइम्स चेंज एंड प्लस फूड इज एन इम्पल्स बाय इम्पल्स बाय का मत होते जब आपको भूख लगती है आप कितनी देर वेट कर सकते हैं आज मैक्सिमम 5 मिनट 5 मिनट ये कह रही हैं 5 मिनट वेट करने को तैयार अरे खाना बनाने में आपको पा... अच्छा आप कुछ बनाती हैं आज खाना हाँ मेरे को थोड़ा बहुत तो बनाने आता है मैं ब्रेड्स सेक लेती हूं कितना टाइम लगता है <laughs> कितना टाइम लगता है ब्रेड सेकना ओ माय गॉड ये टोस्टर में भी हो सकता था बट ठीक है

एंड रेड लाइट्स हैं बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं Prepping. कभी कभी राइडर्स yeah. भी रूल्स तोड़ देते हैं टू गेट यू फास्ट डिलीवरी बिकॉज उसका भी इंसेंटिव है लिंक सो येस यू हैव रेज अ वेरी गुड पॉइंट एंड वी आर वर्किंग इन दैट एरिया मेरे बड़ी जल्दी आपको एक ज़माना आएगा आप ऑर्डर करेंगे hmm. ड्रोन से खाना आएगा आपकी छत से वो मिलेगी डिलीवरी आपको नीचे आएगा एक, एक बॉक्स आएगा आप उसमें ओ टी पी डालोगे आप बॉक्स खोलोगे आप अपना खाना लोगे और आप हमें फीडबैक दोगे जैसे कि कि अभी मतलब आपने सब सब कुछ कुछ बताया आप इतना सब कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए काफी टीम भी लगेगी तो तो वो कैसे मैनेज होगा मेरे को तो एक ही चीज़ पता समझ आती है कि चैलेंज हो ना तभी कूदना चाहिए आज अगर ऑन्ट चैलेंजेस के बिना कूद रहे हैं जैसे मैंने किसी से फंडिंग ले रखी है आज ठीक है मैंने ना किसी से डेट ले रखा है लोन ले रखा है कोई बैंक से मुझे कोई दे भी नहीं रहा देता भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ आई थिंक ठीक है ये मेरी एक वीकनेस है आप बोलो मैं सिर्फ जब जाके सच सच बोल दूंगा लोगों को वो स्वीट टॉक करना आता है मक्खन लगाना आता है इन्वेस्टर को मेरे को नहीं आता भाई जैसे हमने क्रैफे क्यों शुरू किया हमने क्रैफे इसलिए शुरू किया हमने देखा मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था प्रीमियम डिजर्ट के लिए तो आज आप देखेंगे तो यू नो इट्स आज हमने क्रैफे प्रीमियम डिजर्ट ब्रांड बनाया एक हम भी चाहते हम भी गुलाब जामुन कर लेते या कोई जो लोग देखिए आज जो लोग कर रहे हैं ना अगर आप वो करेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है प्लस फिर आप क्या करोगे आप कॉस्ट कटिंग करोगे अब अगर आपका गुलाब जामुन दस रुपए का है तो मुझे तो आठ नौ रुपए में लाना पड़ेगा आपसे कम्पीट करने के लिए बट इफ वी कैन डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट जैसे हमने क्या किया है क्रैप्स क्रैप्स इज अ फ्रेंच क्वजीन इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट देन वी हैव ब्रसल्स वोफल्स देन वी हैव बेगल्स आपने भी खाए होंगे कुछ क्रेप्स के प्रोडक्ट्स अब कैसा लगा काफ़ी टेस्टी है टेस्टी है थैंक यू और हम इम्प्रूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम हमारा छोटा भाई लंदन में बैठा हुआ है, right okay. uh, uh, कि one of the best chefs of India निकल के आएगा वो really? और really? अभी हमारा ये भी फोकस है कि नेक्स्ट ईयर तक हम लंदन में भी क्लाउड किचन आपने ना बीच में एक की बात करी थी जिसमें आपने बोला था कि झूठ बोलना आपकी

मेरा मेरा ना हंड्रेड परसेंट टाइम और एनर्जी लगता है मैं सुबह उठता हूँ ना सबसे पहले मैं आ, अपने बिजनेसिस को रिव्यू कर रहा होता था फिर सोने से पहले भी मैं अपना बिजनेस को रिव्यू कर रहा होता हूँ दिन में मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ आई एम ऑलवेज वॉद आई एम ऑलवेज बॉदर मुझे अभी भी पता है मेरे कस्टमर के साथ क्या चल रहा है मुझे पता है कल रात को एक कस्टमर है जो मुझसे अनहैप्पी है जिसको मैंने आज हैप्पी करना ही है सो समटाइम्स आई हैव टू टेक सर्टन कॉल्स जिसमें मेरे को बड़ा केयरफुल uh, रहना पड़ता है कि मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ मैं कभी किसी को गलत ना बोल दूँ और नहीं करना चाहिए तो ये, basically strength. ये, 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 ये मेरा ये stress ये strength strength है। तो ये ऐसा मेरा एक स्ट्रेंथ और अच्छा है वीकनेस तो चलो यही है गुस्सा आ जाता है और थोड़ी जल्दी जल्दी में रहते हैं hmm. सुबह में मैं उठता हूँ तो भाग होता हूँ मैं।, मैं बस भाग होता हूँ कि चल अब काम पे चले तो ये वीकनेसेस हैं बट मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ डिसिप्लिन भी मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ

और हम क्लाउड किचन इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंट ही करेंगे कुछ पहली बात तो हम बड़े क्लियर हैं कि हमारा कस्टमर फोकस है प्रीमियम प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस प्रीमियम डिलीवरी तो आज हम क्या कर रहे हैं हम भी वो क्रिएट करना चाह रहे हैं क्लाउड किचन स्पेस में सो यू नो वी वांट टू मेक श्योर तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आज वी यूज द प्रीमियम क्वालिटी वी आर इम्पोर्टिंग न्यूटेला फ्रॉम यू वॉन्ट बिली दिस न्यूटेला की जो फैक्ट्री है वो इस कंट्री में जहाँ पे वॉर चल रही है अभी क्या नाम है इस कंट्री का मैं भूल जाता हूँ जो वो रशिया के साथ लड़ रहा है यूक्रेन सो यूक्रेन में फैक्ट्री है न्यूटेला की एंड uh, हमें इतना हमने लास्ट ईयर 2500 केजीज़ ऑफ न्यूटेला खरीदा था ठीक <laughs> <laughs> है टू एंड हाफ टन ऑफ न्यूटेला आया था यूक्रेन से एंड आई एम प्राउड टू बी द बिगेस्ट कस्टमर फॉर एटलीस्ट गुड़गांव रीजन बिकॉज अभी मैं पैन इंडिया धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा हूँ बट गुड़गांव में आई एम वन ऑफ द टॉप बायर्स ऑफ न्यूटेला एंड न्यूटेला इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट बट क्या होता है ना जब वॉर होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि जब वो फैक्ट्री थी यूक्रेन में वो सफर कर गई तो वो हमें सप्लाई नहीं कर पाई और उसने कॉस्ट भी बढ़ा दिया बिकॉज बॉम बॉम्ब्स गिर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएगा सो so ये सब चैलेंजेस हैं आज रियल लाइफ के तो जो हम रोज टैकल करते हैं क्लाउड किचन इंडस्ट्री में हम कस्टमर चैलेंजेस भी टैकल कर रहे हैं Team सब टीम चैलेंजेस भी टैकल कर रहे हैं आपने टीम का एक पॉइंट बोला है मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूंगा देखिए आज हम लोगों को हायर कर रहे हैं छोटे शहरों से और हम इनको ट्रेन कर, कर रहे हैं हम इनको इंग्लिश सिखा रहे हैं हम इनको बेसिक ग्रूमिंग कर रहे हैं हम लिटरली इनको इस लेवल तक जाते हैं कि इनके नेल्स कट हों ये वेल ग्रूम्ड हो इनको हम अच्छी परफ्यूम्स देते हैं अच्छे कपड़े देते हैं ताकि